अपना तेंदुआ नंबर वन। हालांकि अभी तक टोटल चार तेंदुए देख लिए और पांच तेंदुए का जो है ये स्पॉट हुआ, मतलब पता चला, बट चार ही देखा मैंने। कल भी चल रहा है इस तरफ से, मेरे ख्याल से जो लगभग खत्म है। सिंह इस तरफ से अपन अंदर गए थे, मेरी डॉटर लोग उस तरफ कहीं पर गए हुए, तो अपने भैया भाभी के साथ गए हैं, आ जाएगी वो। तब तक मैं इधर थोड़ा विचरण कर लेता हूँ। और वन्य प्राणियों को मुझे एक्चुअली क्या है, इस तरह केज में देखना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं गार्डन का ही लुत्फ लेता हूँ। और मेरी वाइफ और मेरी साली साहिबा और साढ़ू भाई बाहर बैठे हुए हैं, उन लोग को भूख भूख लग रही होगी, अपन चलते हैं खाएंगे एक साथ। बाकी इन लोग नहीं आएंगे तब तक तो खा नहीं पाएंगे, बट ठीक है, वेट करेंगे तो बढ़िया है। इस तरफ का व्यू आप फिर से देख लो जहाँ से मैं आया, और मेरी वाइफ आएगी तो फिर से आ जाऊँगा मैं उन लोग के साथ में। और बाकी आ रहे लोग अभी भी, आना जाना कर रहे हैं। कूलर गार्डन है, चलिए गेट के बाहर वापस मिलते खाने पे। बोल रहे थे शिकार का हूँ कि आ गए, खाने मिल गए थोड़ा तेंदुआ है ना। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाया गया है, ये ग्रीन हाउस का पूरा शेड दिया गया है। यहाँ पर पक्षियों को खुले तौर पे छोड़ दिया गया है। और इस तरफ से हम लोग आए, उधर लेपर्ड वगैरह है सब कुछ, और ये बढ़िया यहाँ का नज़ारा। ये वाला भाग मैं तब नहीं आया था, अभी दूसरी बार में आ गया दोस्तों। तो ये वाटरफॉल आर्टिफिशियल वाला तो बढ़िया है। हाँ भैया, अच्छा अच्छा ये कुछ इसका एंट्री कर दिया गया है इस तरह से, लाइट से होकर जाओ। तो ये ग्रीन हाउस बढ़िया सत्य में यदि आसे नहीं भालो ही मिस कर दिता। ये कोके तेल काकापुआ हम लोग एक सुनते थे, कोके तेल
একটা হিন্দিতে একটা কাকাতুয়া করে একটা বলে না পাখি, ওটা কি? এটা না না কাকাতুয়া ওই যে বলতো। আচ্ছা ওইগুলো কাকাতুয়া। মাগি এটা গোল্ডেন। কোনটা? হ্যাঁ ওটা দেখে তারবার পাইপ দেখে মানি হ্যাঁ কোনুর बढ़िया। शेड घोंसले गोल्डन फिजेंट उस तरफ जलीय पक्षी विहार की तरफ हम लोग आए उस तरफ से। और ये अनदर ग्रीन हाउस इफेक्ट है पूरा। ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल देखेंगे अपन। यहाँ पक्षियों की बहुत सारी वैरायटी है। हाँ ये लोग देखे थे कि नाम थाम तो हाँ वही तो करता ना देखे ना वहाँ पर हम इतने जो मैं देखे नहीं। तो ब्लैक राजहंस है और एक खास बात है कि ब्लैक राजहंस जो उस तरफ नहा रहा है, देख सकते हो वाटरफॉल्स के नीचे खड़े होकर। उस तरफ में बड़े बड़े खड़े जंजीरे जो है वो पर्दे के रूप में लगाए गए थे भारी भारी, तो हटाते हुए हम निकल के आए। মজা পাচ্ছে জলের নিচে ওই জানে বাকিগুলো কেউ জানাচ্ছে না শুধু হ্যাঁ क्या कभी देखा है इतना सुंदर हमें नंदन में राजहंस और वो सुंदर सा राजहंस आर्टिफिशियल जलाशय के नीचे बहते हुए पानी के नीचे निरंतर खड़ा नहा रहा है, पानी भी पी रहा है अभी चोट मार के। सुंदर सा है, आनंद ले रहा है पानी से। वो हिल तक नहीं रहा है, वो वहीं खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे अनंत प्यास है। राजहंस प्यासा है, ठंडक दोनों का मजा एक साथ ले रहा है, एक प्यारा सा अनुभव ले रहा है। जाने कब से उसको ऐसा ही लग रहा है। तो ये राजहंसों का झोपड़ा और ये ग्रीन हाउस को बाय बाय। ये स्वान है नहीं, स्वान
एग्जिट गेट है, कड़े जंजीरों का पर्दा नुमा एग्जिट पॉइंट। इनका घुमाना पड़ेगा क्या? এটা তো নকলি না কি? এটা আসল, এটাও আসল, একদম স্থির হয়ে আছে, বুঝাই যাচ্ছে না। এখানেও আছে লেডি এমরেস্ট, তো ওইদিকে আসো, আমি এদিকে একটা নিয়ে আসি। পলিশড হ্যান্ড, ये तो अपना नाम देखते ही हैं, वाइट हेडेड पियंस पायोनस, सॉरी अभी वो दिख नहीं रहा। हाँ ये है कुछ ऐसा, ब्लू रिंग नेक फिजेंट, ये उस तरफ है कुछ ऑस्ट्रेलियन येलो पैरट। लोग मिसिंग है, दिख नहीं रहे, आवाज कम हो रहा है। लेडी एमरेस्ट अगेन, हां